नमस्कार दोस्तों, KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे MSME की और आज MSME के अंतर्गत ही हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक और लाभदायक योजना। सुनने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सरकार की ऐसी ही लाभदायक योजनाओं का आपको समय से पता लग सके। और शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। कोई आपकी दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिजनेस यानी औद्योगिक विकास की राह में राज्य और देश के लिए प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्रदूषण बहुत हानिकारक है और वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलता है। तो प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए सरकार आप सभी के बीच में ये एक लाभदायक योजना लेकर आई है। और इस योजना के तहत अगर आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करते हैं या एयर पोल्यूशन को कंट्रोल के इक्विपमेंट लगाते हैं तो लागत पर 50% तक फाइनेंशियल हेल्प आप सरकार से ले सकते हैं। और जो इकाइयां इसका लाभ लेती हैं वो देश के हित में भी कहीं ना कहीं काम करती हैं और अधिकतम लाभ आप ले सकते हैं 50 लाख रुपए। और अगर आप बिजनेस जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज यानी बिल्कुल जीरो पोल्यूशन फैलाने की विधि को अपना रहा है तो आपके बिजनेस को कैपिटल कॉस्ट जो है उसका 75% के उच्च लाभों के लिए माना जाएगा और अधिकतम लाभ आप 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। और यदि आपने अपने बिजनेस की छत पर, रूफ टॉप पर अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाया हुआ है तो इस सेटअप के लिए आपने बैंक से ऋण भी लिया होगा, उस स्थिति में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है आपको 5% तक ब्याज सब्सिडी देगी, वो भी टर्म लोन पर 3 वर्षों के लिए, और अधिकतम ब्याज जो है आप 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उपकरण स्थापित कर रहे हैं तो ऐसे उपकरणों की लागत पर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। ये जो सब्सिडी है ये आपको ब्लॉक के अनुसार मिलेगी। ए ब्लॉक में अगर आपका बिजनेस है तो आप लागत का 20% तक सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस बी ब्लॉक में है तो आप 30% सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर सी ब्लॉक में है तो 40% तक सब्सिडी ले सकते हैं। और यदि आपका बिजनेस डी ब्लॉक में स्थित है तो आपके बिजनेस के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के इक्विपमेंट के लिए आप 50% तक सब्सिडी ले सकते हैं, और अधिकतम लाभ जो आप ले सकते हैं वो है 20 लाख रुपए तक। प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार ही आपको ये लाभ मिल सकता है। और अगर आपके बिजनेस को जरूरत है एनर्जी ऑडिट करवाने की तो उसकी जो आपकी फीस लगेगी उस शुल्क पर भी आपको 75% तक लाभ मिल सकता है, और आप इसके लिए दावा भी कर सकते हैं, और अधिकतम जो लाभ है 2 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस के लिए पानी के ऑडिट की आपको आवश्यकता है तो पानी के ऑडिट की जो लागत है वो 75% तक आप प्राप्त कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, और अधिक से अधिक जो लाभ है आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जल संरक्षण या कटाई प्रणाली के लिए उपकरण लगा रहे हैं तो उसकी जो पूंजीगत लागत है उस पर भी आप 50% तक लाभ उठा सकते हैं, और अधिकतम जो लाभ रहेगा वो 20 लाख रुपए है। और इसके बाद जो अगर आप सुरक्षा ऑडिट पर खर्च करते हैं, सुरक्षा ऑडिट के लिए भी फीस देते हैं, तो उसका भी आप 75% तक लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम जो लाभ रहेगा वो है 1 लाख रुपए। और हाँ, जो आपके उपकरण लगते हैं उसकी पूंजी की लागत का 50% भी आप सब्सिडी ले सकते हैं, और ये जो लाभ है आपको आपके व्यवसाय के ब्लॉक के अनुसार मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस डी ब्लॉक में आता है तो आप 20 लाख रुपए तक सब्सिडी ले सकते हैं। सी ब्लॉक में अगर आपका व्यापार आता है तो आप 15 लाख रुपए तक सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस बी ब्लॉक में आता है तो आप 10 लाख रुपए तक सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर ए ब्लॉक में आता है तो भी आप 5 लाख रुपए तक सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस MSME में रजिस्टर्ड है, MSME पंजीकृत इकाई है, तो आप इन सभी सब्सिडियों का लाभ उठा सकते हैं। पर्यावरण अनुपालन की लागत को और अपने व्यापार की लागत
को कम कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और इनसे अवगत रहने के लिए KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, और अगर और भी कोई परेशानी हो तो जल्द से जल्द आइए KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, DSB 38, KIP कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार। फोन नंबर है 9017151780।